कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। जी सिद्दीकी साहब मैं पहुंच रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं रस्ते में हूँ। निदा मिसेस भाटिया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक कॉपीड सीन्स के ऊपर है। ये निदाएं बहुत काम करती हैं, मगर घर के नहीं दफ्तर के। पढ़ी लिखी और समझदार हैं, इसलिए खुद को बेवकूफ नहीं मानती। कोई और यकीन दिलाए तो भी नहीं। दानिश इन्हें बरी में मिला है, ये वाहिद बरी का सामान है जो इन्होंने आज तक कबूल नहीं किया। ये चांदनी है बहुत काम करती है, मगर घर के नहीं दफ्तर के। पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए खुद को बेवकूफ नहीं मानती। कोई यकीन दिलाए तो भी नहीं। पुष्कर वर्मा उर्फ पप्पू इन्हें दहेज में मिला है, ये एक ऐसा बेशकीमती दहेज का सामान है जो इन्हें पसंद नहीं है। जैसा कि पिछली कई वीडियोस में हम देख चुके हैं, पाकिस्तानी ड्रामों फिल्मों और गानों को इंडियन डायरेक्टर्स राइटर्स और मौसिकारों ने किस तरह से कॉपी करके अपनी फिल्मों में छापा है, इसकी जीती जागती मिसाल हम आज की वीडियो में भी देखेंगे। 12 साल पहले पाकिस्तान का सुपरहिट सिटकॉम नादानियां यकीनन आप लोगों ने तो देखा ही होगा। पाकिस्तानी सिटकॉम को इंडिया में पूरी पूरी तरह से कॉपी किया गया, कुछ पूरे ड्रामे के सीन के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक डायलॉग्स स्टोरी इवन यही नहीं, हद तो तब हुई इस पाकिस्तानी सिटकॉम का टाइटल सॉन्ग भी इस तरह कॉपी किया कि अपने सिंगर से गवाने की जहमत भी न की। खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां। और सॉन्ग पूरा का पूरा सेम टू सेम उठाकर अपने सिटकॉम में डाल लिया। पाकिस्तानी सिटकॉम नादानिया की कहानी अली इमरान ने लिखी थी, जिन्होंने बाद में पाकिस्तानी मशहूर सिटकॉम बुलबुले की कहानी भी लिखी। निदा यासिर ने इस सिटकॉम को प्रोड्यूस किया था, जबकि यासिर नवाज के भाई दानिश नवाज ने इस सिटकॉम की डायरेक्शन की थी। ये पाकिस्तानी सिटकॉम 2009 में ऑन एयर हुआ था। 100 से जायद एपिसोड्स पर मुश्तमिल ये सिटकॉम बुलबुले से पहले शुरू होने वाला और पाकिस्तान में पसंद किया जाने वाला मशहूर सिटकॉम है। को 4 साल बाद 9 सितंबर 2013 में इंडिया में कॉपी करके नादानिया के ही नाम से पेश किया गया, मगर फिर कुछ वक्त बाद नाम में रद्द बदल करके उफ ये नादानिया कर दिया गया। फिर इसी तरह एक सीजन मुकम्मल होने के बाद फिर अगले सीजन में नाम में रद्द बदल करके फिर ये नादानिया कर दिया गया। बिलाखिर कुछ वक्त बाद तीसरा सीजन शुरू किया गया, जिसके नाम में एक बार फिर से रद्द बदल करके टोटल नादानिया कर दिया गया। पाकिस्तानी सिटकॉम नादानिया का म्यूजिक सज्जाद अली के छोटे भाई वकार अली ने कम्पोज किया था और इस गाने को पाकिस्तानी सिंगर अदनान सफीर ने गाया था। इंडिया में इस पाकिस्तानी सिटकॉम को 4 साल यानी 23 जनवरी 2017 तक मुसलसल कॉपी किया गया और इस तरह से इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने वक्फे वक्फे से इस पाकिस्तानी सिटकॉम को कॉपी करके पैसे कमाए। इंतहा ये कि एक दफा भी ओरिजिनल कंटेंट को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, बल्कि लगातार चोरी किया गया। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।